ज्योतिष सलाह में आज हम बात करेंगे कि जो आम का पौधा होता है उसका ज्योतिषी उपाय क्या हो सकते हैं, उसको सरल तरीके से हम कैसे अपना सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि जो आम का पौधा है इसको भगवान गणेश जी का वास रहता है ऐसा बताया जाता है। तो और इसलिए बुधवार के दिन गणेश जी को आपको क्या करना है कि बुध ग्रह जो आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो उसको ठीक करने के लिए 5 सफ़ेद आग के फूल लेंगे और मोदक लेंगे साथ में, और वो भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे बुधवार के दिन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बुध ग्रह है जो अशुभ फल दे रहा है आपकी कुंडली में, तो उसके फल अच्छे प्राप्त होंगे, जिससे कि आपके बुध से संबंधित जो लाभ होते हैं, बुध आपका जिस भी ग्रह का जिस वस्तुओं का कारक है उसके फल आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएंगे। और भी जो इसके फायदे हैं उसके हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप देखें कि ये जो अगर घर में हमेशा कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और सुख शांति प्रभावित होती है, तो उसको ठीक करने के लिए समृद्धि जो बनी रहे घर के अंदर, तो आपको रवि पुष्प नक्षत्र में सफ़ेद आग की जड़ को लाल कपड़े में लपेट के घर में रखना चाहिए। ये एक बताया गया ऐसा विधान। फिर इसको एक बताया गया है कि अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में हमेशा अगर नकारात्मक ऊर्जा फैल रही है तो उसको सकारात्मक करने के लिए सफ़ेद आग का पौधा लगाना चाहिए। इसके बाद में आपको अगर किसी भी काम में कोई परेशानी आ रही है, आपका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, काम बन नहीं रहा है या मानसिक तनाव हो रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाके 11 आग के फूल उन्हें अर्पित करें। तो ये मंगलवार को करना है हनुमान जी के लिए। इसके बाद में अगर आपको भी जैसा हमने बताया कि बुध ग्रह का जो अशुभ फल है उसके लिए भी आग के फूल और मोदक अर्पित करने की बात की, वो आप कीजिए। अगर आपको किसी व्यक्ति को कोई लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन जो है शिवलिंग पर आग के 11 सफ़ेद फूल अर्पित करें। बहुत सरल उपाय है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उसको इसमें सुधार आएगा उसकी बीमारी में। तो ये सरल उपाय ज़रूर कीजिए। सोमवार के दिन के लिए आपको शिवलिंग को 11 सफ़ेद के फूल अर्पित करने के लिए बोला गया है, जिससे कि जो भी व्यक्ति है उसकी बीमारी में सुधार आएगा। तो आपको बहुत सरल तरीके से हमने बताने की कोशिश की कि ये कोई भी ये उपाय है वो कर सकता है। और भी बहुत से ज्योतिषी उपाय हैं जिसमें लाल किताब के में भी उपाय कुछ इनके बारे में बताए गए हैं, और भी दूसरे तरीके से इसके आपका आयुर्वेदिक तरीके से भी बहुत सी चीज़ें बताई गई है आपके पौधे के जो है क्या क्या उसकी जड़ से उसके फूल से उसके पत्तों से बहुत सी आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। तो वो आप ज़रूर देख के आयुर्वेदिक वालों से पूछ के आप वो उपाय भी कर सकते हैं। तो आपको जो हमने ज्योतिषी तरीके से जो सरल उपाय थे जो आप कर सकते हैं वो बताया, जिसमें कि बीमार व्यक्ति के लिए बताया, फिर बच्चे को बुरी नज़र के दोष से कम करने के लिए बताया, फिर बुध ग्रह को ठीक करने के लिए बताया। ये सरल तरीके हैं जो आप अपने उसमें अपने उपायों में की लिस्ट में इनको शामिल करें और उसका लाभ उठाएं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर सबको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारी चैनल भी आपको पसंद आ रही है तो अगर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम इस तरह के जो सरल तरीके के जो उपाय हैं और भी जो वास्तु के बारे में है, ज्योतिष के बारे में है, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है,
मैनिफेस्टेशन है और सौर विज्ञान है, इनके सरल सरल उपाय आपको बताते रहे हैं, तो हमारे चैनल पे ये सब उपलब्ध हैं, उनका ज़रूर लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।